तो गुरु देख सकते हैं इतना खराब रोड है ना, देखिए आगे वाली पिकअप को बस देखिए कैसे कैसे निकाल रहा है वो, क्योंकि इतना बेकार रोड है, इतना बेकार रोड है ना। तो गुरु गाड़ी जो है वो हमने बनवा ली, गाड़ी बनवा के अब चल रहे हैं घर, मतलब गाड़ी बनवा के निकल चुके हैं। चंपा गया था, चंपा से जमनिया का जो मुझे भाड़ा लगा था वो लगा था। हम महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु अभी फिलहाल हम हैं जिस जगह पे, वो जगह है चंपा, यहीं पे हमने पिछले वाली वीडियो ख़त्म की थी और वापस से यहीं से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए एंड करना ज़रूरी था। तो आराम से बता कर तो आगे जो है वो डक आ गए, डक मीन्स बतख वो आ गए, तो थोड़ा धीमा होना पड़ा। तो खैर पहुंच ही चुके हैं लोडिंग पॉइंट पे, और सामने लोडिंग पॉइंट दिख रहा है, वहाँ पे गाड़ी लगाएंगे और लोडिंग माल आया होगा तो लोड होगा, नहीं आया होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा लोड होगा पर होगा। तो चलिए गाड़ी लगाते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। फाइनली पहुँच गए लोडिंग पॉइंट पर, और लोडिंग मतलब लोडिंग चालू भी हो गया है, इधर धूप की वजह से दिख नहीं रहा है, लोडिंग चालू भी हो गया और यहाँ से अभी जितना भी टाइम लगे आधा घंटा पौना घंटा लोडिंग करने में, फिर लोड करके यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे मंडी। कहाँ देखा हुआ गुरु, अच्छा ना वो सुन पाते हैं और ना बोल पाते हैं ना, हो ये सुनते नहीं ना हैं, पर रस्सी बराबर मरवाता अगला एकदम अपने मन से मरवाई। तो जो वो साइड वाले भैया हैं जो देख रहे हैं वो सुन भी नहीं पाते, वो बोल भी नहीं पाते हैं हंसा खाए हुए। और ये सब मेरे साथ आए, ये बाबू है ये तो अपने साथ ही आया था, और ये जावेद है ये हाँ इसको उग्रवादी बोलते, इधर आ तू इधर आ इधर आ। एक बार एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, एक गाड़ी लोड कराया था और दोस्त की थी, इसको लेके गए थे हम लोग सारनाथ बनारस में, इसको पुलिस वाला एक चमाट मार दिया था ये आगे से बाल जो है लाल किया हुआ था, गुस्से में आया, इसको बोलता है चोर है काफे बोल के मारा फाट, मेरे को चेक भी नहीं किया, साजन को चेक वेक किया सब याद है जब वो गुड्डू लदले रलन हुआ, हम लोग बैकवा से गैल रही होटलिया के लगवा तो गुरु अपना जो है ना वो हॉर्न खराब हो गया है। हॉर्न खराब क्या हुआ है, उसका जो ये क्लिप है वो थोड़ा सा वो हो गया है, तो उसको वो करना पड़ेगा, ये पकड़ तो बाबू इसको सिर्फ दबाना पड़ेगा, दबा देंगे तो हो जाएगा। तो खैर इसको दबा देते हैं पहले, घुस रहा है भाई लेकिन दब ही नहीं रहा है, अब दबेगा। मौसम कितना मस्त है, बजा हॉर्न। हो गया, गाड़ी हो गई अपनी लोड, हॉर्न भी बना लिए, ये हो गई अपनी गाड़ी लोड, अब यहाँ से अपन निकलते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं अब आप सभी से आगे। तो गुरु देख सकते हैं इतना खराब रोड है ना, देखिए आगे वाली पिकअप को बस देखिए कैसे कैसे निकाल रहा है वो, क्योंकि इतना बेकार रोड है, इतना बेकार रोड है ना कि पूछिए मत, पूरा मोरन का है और इतना गड्ढा है और सब है। बस आगे वाली पिकअप को आप सब देखिएगा, जैसे जैसे वो निकालेगा वैसे वैसे मेरी गाड़ी निकलेगी, अभी देखिएगा वो पूरा टेढ़ा हो जाएगा ये, हालांकि हुआ नहीं संभाल के निकाला। तो ये देखिए बस इतना पूरा मिट्टी का रोड है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं ना भाई साहब, मतलब क्या ही कहना, आप सब देखते जाइए मैं कितना बोलूँगा मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि इतना लंबा है, मैं आपको पूरा रोड दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे निकालते हैं। और महिंद्रा पिकअप जो है वो क्या खासियत है इसकी कि क्यों ये इतना माना जाता है, क्योंकि टाटा योद्धा वोद्धा इस सब में नहीं जा पाएंगे, अरे योद्धा बोल रहा हूँ 207 होती इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, उतना बड़ा गड्ढे में वो गाड़ी कुदा दिया देखिए। अरे महाराज तू आगे बढ़, हमके तो फिर वीडियो बनाए के है, तू पीछे हो गई ले, वो गलत जगह पे कूद गया, अरे रुको महाराज पीछे से पी पा क्या किए हो, ए या तो बहुत आराम से धीरे धीरे एकदम गाड़ी को निकालना पड़ रहा है, और ये कोई वॉइस ओवर नहीं कर रहा हूँ, मैं गाड़ी निकाल भी रहा हूँ और वीडियो, हालांकि कैमरा बाबू पकड़ा हुआ है और मैं जो है वॉइस इधर से दे रहा हूँ, आगे दिखा तू गड्ढा मुझे मत दिखा, ओ माँ ये
ये देखिए बोनट मेरा कितना उड़ जा रहा है, और पीछे भी एक गाड़ी है, और ये वाली तो खैर पूछिए ही ना। घूम घूम घूम, अरे उसको दिखा तो पूरा बोनट दिखा रहा है। पीछे वाली गाड़ी भी वही है जो मैंने लोड कराई थी, वही वाली गाड़ी है। तो पीछे जो गाड़ी है उसको मैंने ही भाड़ा दिया था, मैंने ही लोड कराया था, वही वाली गाड़ी है। नहीं चलने दे, तू काहे ये दिखा रहा है डैशबोर्ड वा, आगवा कैमरा दिखा। हाँ हाथ रखेगा तो हिलेगा, हाथ सोच, इसका हाथ दुखने लगा। आप सोचो कि मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ एक हाथ से कैमरा पकड़ के। ओ माय गॉड, और ये देखिए सबसे बड़ा वाला गड्ढा। इसका हाथ दुखने लगा, आप देखिए मैं ऐसे बना सकता हूँ, मैं आराम से गाड़ी भी चला लेता हूँ और बना भी लेता हूँ, और जो है कि थोड़ा भी डिस्टर्ब भी नहीं होता है कुछ भी। ये किया पूछो ना, गाड़ियाँ आवाज कर रही है, इतना खतरनाक रोड है पूरा निकालने में भाई साहब ना। इतना दूर बारिश हो जाता है ना तो एकदम समझ लो कि सारा कर्म हो जाता है हम लोग का। अभी तो फिलहाल बारिश नहीं हुआ है तो ये कंडीशन है, और बस ये आगे ही रहा रोड, वो पिकअप वाला निकल रहा है सामने से, और उस पिकअप वाले को देखिएगा जब निकलेगा तब उसकी बस स्पीड देखना कि वो किस स्पीड से रोड में जाता है। बस खाली वो इतना गड्ढा जितना है उतना ही बचाया है, उसके बाद इस पिकअप वाले की स्पीड देखिएगा आप लोग। ये पकड़ लिया रोड, अब ये स्पीड देखो उसका अभी तक तो। ये आप बनाया मौसम कहाँ गया देख सकते हैं। तो खैर चलिए अब हम लोग आ गए इस रोड पे, अभी आगे निकलेंगे मेन रोड पे, तो यहाँ से अब निकलते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी से आगे। तो गुरु पहुँच गए राजपुर, और बज गया है 6, और ये छोटा सा रास्ता है जो कि राइट लेंगे तो हम लोग निकल जाएंगे जिधर से हमको जाना है गढ़वा वाले रोड पे, तो वहीं से जाएंगे और जो है कि आगे से जो है निकलेंगे। तो खैर अभी इसमें घूम गए, ये सीधा जाएगा, सीधा जाके आगे से अपने को लेफ्ट लेना है जो कि झिंगो है एक जगह, वहाँ जाएगा। तो ये टर्निंग में जो है वो बता दूंगा, टर्निंग बता दूंगा तो आप लोगों को एक चीज़ आसान हो जाएगा आप लोगों का, कि आप लोग जो है घूम के वैसे जा सकते हैं। जिन लोगों को रास्ता नहीं पता है फिलहाल कि चंपा से बनारस के लिए आसान रास्ता कौन सा है, क्योंकि मंडी के लिए भाई जो है वो रास्ता सही ना हो तो मज़ा नहीं आता है। रास्ता पूरा जब क्लियर होता है तभी, और जल्दी होता है तभी। तो फिलहाल एक गाड़ी वाला है वो देखा नहीं है तो उसके लिए मैं रुका हूँ, वो आएगा तो उसको भी साथ में लेके चलेंगे, उसको भी दिखा दूंगा रास्ता, क्योंकि वो पहली बार आया है शायद इधर इसके लिए। तो चलिए उसका वेट करते हैं, उसको आने दीजिए फिर चलते हैं हम लोग। तो गुरु अपन पहुँच गए हैं जमनिया मंडी, ये रही अपनी गाड़ी। अंधेरा है क्योंकि यहाँ खम्भे में लाइट है तो इसके सामने वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि ये आ जाए। तो मंडी पहुँच चुके हैं, अब जो है वो मैं चल रहा हूँ सोने, और बाबू जो है वो ऊपर सो गया है। तो खैर आप सो के उठते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से सुबह। तो अपनी गाड़ी ये रही खाली हो गई है और अपन चल रहे हैं भाड़ा लेने, गया था फ्रेश होने के लिए, गाड़ी बाबू लगा के शायद गया हुआ है वो भी वहीं पे भाड़ा लेने के लिए, पर मैं भी चलता हूँ देखता हूँ भाड़ा लेना है। आपको दिखाता हूँ जमनिया मंडी। गुरु ये है जमनिया मंडी जो कि बहुत सकरे जगह पर है, सकरा मीन्स कि मतलब बहुत छोटी तंग गलियाँ, मतलब एक गाड़ी जा सकती है एक गाड़ी आ सकती है, इसी बीच में मंडी भी लगती है। सुबह के अभी बज रहे हैं 5:30 क्या 5:45 बज गए हैं, तो थोड़ा सा आगे जो है वो अपना जहाँ पे माल खाली किए वहाँ पे भाड़ा लेना है, चल रहे हैं भाड़ा लेने। बाबू शायद वहीं पे है या नहीं है पता नहीं, तो चलते हैं देखते हैं क्या है। तो आपको मंडी दिखा देते हैं, देखिए यहीं पे ये सब सारी चीज़ें छोटी छोटी, मतलब छोटे छोटे दुकान वाले बेचते हैं, वहाँ से खरीदते हैं यहीं बेचते हैं, क्योंकि ये लोग दिन भर बेचते हैं। टमाटर, मिर्चा, बैंगन, कटहल, खीरा, बहुत कुछ। तो चलिए पहले चलते हैं भाड़ा लेने फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु भाड़ा ले लिए और मंडी से बाहर निकल रहे हैं, ये मंडी से बाहर रोड है,
अगर राइट लेफ्ट लेते तो गाजीपुर चले जाते, और राइट लिए हैं तो सैयद राजे जाएंगे, और सैयद राजे से अपन निकलेंगे घर पे। सुबह 6:30 बज गया, भाड़ा लेने में उसने कम से कम 45 मिनट देने में लगा दिया, तो फिर टाइम हो गया अपना। थोड़ा सा क्रैश खराब है, नीचे क्रैश से आवाज़ आ रहा है, शायद आप लोगों को सुनाई दे रहा हो, तो बहुत तेज आवाज़ आ रहा है। देखना है उसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब देखना नहीं है, दिखवाना है। तो चलेंगे अब, अभी तो मान लीजिए कि 6:30 बज रहा है, 7:30 बज जाएगा अगर, तो दुकान खुली होगी, 9 बजे तक खुलता है, तो उसको दिखा के फिर चलेंगे घर। चलिए देखते हैं, रात भर आवाज़ किया, उसमें कुछ कट गया है, क्या कटा है कुछ पता नहीं, क्योंकि क्रास जो है वो तो नहीं कटा है 100%, क्योंकि क्रास कटता है तो कट कट आवाज़ करता है, और ये आवाज़ नहीं कर रहा है, ये अलग ही टाइप का आवाज़ कर रहा है, शायद इसमें सुनाई दे रहा हो पता नहीं, पर कान में बहुत तेज सुनाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं। तो ग्रुप पहुँच गए गैरेज में, और जो है कि अपनी गाड़ी का काम चालू हो गया है, और ये इंजन जो है कटा हुआ है वो लगवाना है, बता रहा हूँ कहाँ पे लगवाना है, क्योंकि नीचे से जो मेरा डाला है ना वो फट गया था, मैंने पहले वाली वीडियो में डाला, देखिए वो जो गैप दिख रहा है हल्का हल्का छेद है ये, उसमें पूरा जो है ऊपर से इंगल लगाया जाएगा, और पीछे से मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे लगेगा, जो इंगल को वो काट रहे हैं वही लगेगा, क्योंकि पूरा जो है वो ना फट गया है एकदम। तो उसको जो है ये देखिए, ये जो कोना है मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उस इंगल को बिठाया जाएगा, ताकि डाला बराबर एकदम सेफ रहे। और फट चुका है, मतलब पूरा वो जो उसका बिल्डिंग था वो छोड़ दिया है, तो वही करवाएंगे। तो अभी उसको बिल्डिंग करने का मतलब वो कर रहे हैं, अंदर आपको दिखाता हूँ उसको, तो इंगल को कैसे लगा दिए, इंगल पूरा जो है बराबर उसको एकदम बिठा दिए हैं, उसको अभी ठोक ठोक के जो है, और देखिए वो इंगल है उसको बिठा रहे हैं। अब बिठाने के बाद जो है इनका ये जो बिल्डिंग करने वाली मशीन है, करंट नहीं पहुँच पा रहा है, कभी भी आप अगर जुड़वाने जाते हैं तो गाड़ी में करंट ऐसे उतरता है, तो आप बैटरी का जो है वायर वो खोल दे बिल्डिंग कराते वक्त, नहीं तो बैटरी ब्लास्ट हो जाता है या पूरी गाड़ी की वायर जल जाती है। तो अभी तक पीछे पकड़ा नहीं है, अब इसको जो है वो नीचे देंगे, फिर से उसका जो है वो करंट बिठाएंगे, उसके बाद जो है होगा। तो चलिए पहले बिल्डिंग कराते। तो गुरु गाड़ी जो है वो हमने बनवा ली, गाड़ी बनवा के अब चल रहे हैं घर, मतलब गाड़ी बनवा के निकल चुके हैं, बहुत समय हो गया भाई, 1 बज गया, और जो है कि नींद भी आने लगा है बहुत तेज, 1 बज गया है, और घर पे चलूँगा, बस नहाऊँगा नहीं इतना धूप में, मुँह वो धो के खाना खा के सो जाएंगे, शाम होगा तो शाम को नहाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया। हम पहुँचे थे वहाँ तकरीबन 9 बजे के आसपास, और जो है कि गाड़ी जो मतलब गाड़ी जो है बन के रेडी हुई 1 बजे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। काम तो सब आपको दिखाया है क्या क्या था, वो एक इंगल लगवाया, और डाले में जो है उसका रबर और नट स्क्रू था वो सब लगवाया, और बहुत विशेष काम था नहीं, वो आवाज़ जो आ रहा था वो बगल से ही आवाज़ आ रहा था, तो कोई खास दिक्कत थी नहीं। तो घर चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। तो ग्रुप पहुँचने वाले हैं पेट्रोल पम्प पे, मतलब घर से थोड़े दूर पे ये पेट्रोल पम्प है, यहाँ पे अपन डीजल डलाएंगे, डीजल नहीं डलाएंगे अभी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो अपने बस की बात ना है डीजल डलाना, पूरी टंकी फुल है, बाद में आकर डला लेंगे। तो अब सीधा चलेंगे घर, अब पहुँचेंगे घर, अपना मुँह धोएंगे, बस इच्छा करेगा तो नहा भी लूँगा, जहाँ तक उम्मीद है कि नहा लूँ, क्योंकि भाई बहुत खुजली हो रही है पसीने की वजह से, तो चलूँगा तुरंत, बस ब्रश ब्रश करना है, नहाना धोना है, नहा धो के फिर सो जाना है, अपना एक भाड़ा है अभी बताऊँगा, अगर कंफर्म हो गया तो लोड करने जाना पड़ेगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो कंफर्म तो है 100% जाना ही जाना है, पर देखते हैं क्या है कैसा है, क्योंकि अभी उनको एक बार मैं फ़ोन करता हूँ अभी घर पहुँच के, भैया क्या हुआ, कब जाना है, क्या है कैसे, तो पहले घर पहुँचते फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु घर पे आ गए और सो गए थे, सो के उठ रहा हूँ, अभी शाम हो गया है, और जो है कि गाड़ी वाड़ी बनवाने में भाई ना इतना मतलब एकदम वो हो गया सब, तो गाड़ी भी बनवा लिए, और जो है कि अब आए और मुँह धोए, खाना खाए, सो गए, अब चल रहा हूँ नहाऊँगा धोऊँगा, और कल का जो है भाड़ा वो है यहाँ से भी है और अंबिकापुर से भी है, दोनों हैं, तो कल का कल देखेंगे। और भाड़ा जो है मैं जब अंबिकापुर नहीं सॉरी चंपा गया था, चंपा से जमनिया का जो मुझे भाड़ा लगा था वो लगा था 11,500 रुपये, और खर्च बोले तो हो जाएगा तकरीबन 6,000 का डीजल और 700 ड्राइवरी, 700 टोल, 500 खर्चा, तो बाकी वही है जो बच जाए।
इस वीडियो को ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।